सारथ्य। हाँ जल्दी करो। अरे आज तो बहुत लेट हो गया। अरे साइड में हो जाओ, निकलने दो। अरे बस अब तो पहुंच ही गया। सर आपकी मीटिंग बाद वाली हो गई। गुड मॉर्निंग कुमार, मैं इंतजार नहीं कर पाया। वकील कहाँ हो, पहुंच गए कोर्ट में? हियरिंग तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में है ना, जल्दी करो। अरे आरोपी के लिए मामला और खराब मत करो। कोर्ट सेशन चल रहा है, अभी बहुत बिजी है। मैंने तुम्हारे बारे में वकील से बात की है, अब भी उससे बात कर लेता हूँ। वकील अच्छा तो है ना? और नहीं तो क्या, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ। वो बहुत बिजी रहता है, अभी कोर्ट में होगा। हेलो कुमार बोल रहा हूँ। एबिन सर, अभी आप कौन से कोर्ट में हो? कोर्ट में हूँ, और कोर्ट में मैं फोन नहीं उठाता, अभी तो नाश्ता करने कैंटीन में आया हूँ इसलिए उठा ली। सर वो जूनियर को दे दो, आप फटाक से इधर आ जाओ। अरे क्लाइंट पहुंच गया, तो रुक जा मैं एक मिनट में आता हूँ। क्लाइंट को निकलने मत देना वहां से, मैं आ रहा हूँ। ए फुल यूनिफॉर्म में कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो, कोई जैकपॉट नहीं लगा। ये दोपहर की फाइट है, सुबह की ठीक है। तो फुल मत जा रहा। हेलो कुमार। हाँ सर। हाँ सर, ये इंटो है सर। एबिन मैथ्यू। एबिन मैथ्यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एबिन सर, मैं इसका केस इसीलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एकदम करीबी है। हाँ। आप लोग बात करो, मुझे थोड़ा जल्दी है। कुमार सर, इसके लिए थैंक यू। ओके सर, ओके ओके। अच्छा कौन सा केस है? क्या हम ऑफिस में बात कर सकते हैं? चलो फिर। हाँ। चलो ऑफिस में चलते, गाड़ी निकालो। मेरे ऑफिस नहीं, मेरा मतलब आपके। मेरे ऑफिस में? हाँ मेरे ऑफिस में जाना चाहते हो? चलो आ जाओ। कंपनसेशन में कितना टाइम लगेगा? एक मिनट। क्या विजय को मारते हुए तुम्हें किसी ने देखा? नहीं सर। तो हम कहेंगे कि विजय नशे में था, पुलिस वालों से हाथापाई की और उन्होंने उसे इतना मारा कि वो मर गया, और फिर वो उसे हॉस्पिटल ले गए और उसको मारने का सारा आरोप तुम पर लगा दिया। हम सारा आरोप पुलिस पर मार देंगे। बोलो एबिन। हाँ हेलो, एडवोकेट एबिन बोल रहा हूँ। देखो मैं आ रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी तुम्हें अभी खाली करनी होगी। अरे प्रॉपर्टी अभी खाली नहीं कर सकते, अभी वो इस्तेमाल में है। चलो कोई बात नहीं, तुम उसे अभी खाली करो, मेरा क्लाइंट बिल्कुल सही है। लेकिन उसे अभी कोई और इस्तेमाल कर रहा है।
देखो हमारे लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लॉ सिखाऊं? हां क्या हुआ सर? मेरा सर दर्द से फट रहा है, चलो कुछ खा लेते हैं। मैं खा के आया हूं सर। तो फिर मैं खा लेता हूं, हां तुम बिल दे देना। हां आओ। कोर्ट में सिर्फ एविडेंस ही चलते हैं। हाँ। एविडेंस ही डिसाइड करते हैं कि तुमने जुर्म किया या नहीं। तुम्हारे खिलाफ ना कोई एविडेंस है ना कोई गवाह, तुम चिंता मत करो। चलो चलो अंदर चलो। हाँ। मुझे लगा था बहुत बड़ा ऑफिस होगा। साइज से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तुम्हारा केस क्या था? धोखा हुआ है। ऐसे केस का मैं स्पेशलिस्ट हूँ, आईपीसी 415 420 बेल करा दूंगा। नहीं मिलेगी। कोर्ट सेशन हो गया। हाँ अंदर कौन है? क्लाइंट है बेल की अर्जी के साथ। ओह। ऑब्जेक्शन रिपोर्ट बनाओ। तुम्हें अभी तक ये बांधना भी नहीं आया, ये तो ठीक से पेपर्स भी फाइल नहीं कर सकती। ये केस कल की सुनवाई के हैं, ये दोनों पिटीशंस तैयार कर दो। क्या? मैंने बताया था मुझे जल्दी जाना है। तो क्या करो, ये केस कल के हैं। मैं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से नहीं मिला हूं जब से वो अपने घर गई है। अगर आज भी नहीं गया तो मुझे ही अपना डिवोर्स पेटिशन लगानी पड़ेगी। तुम सिज्जू को जाने दो, मैं देख लूंगी। इसे करने में तुम्हें सारी रात लग जाएगी, तो सर मुझे तुम्हारे साथ रुकने के लिए बोलेंगे। मेरे बारे में मत सोचो, लेकिन बॉस को भी मत बताना। थैंक्स। सुनो, ज्यादा स्वीट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हर बात पर मेरी टांग ना खींचो तो, वरना जो तुम मंजू जी से चिपके रहते हो ना, सर को सब बता दूंगी। मैं तो बस उसके डिवोर्स केस के बारे में बात कर रहा। आधी रात को साहब बुला रहे हैं, तुझे नहीं इन्हें। एक बार चार्जशीट आ गई तो हम रिपोर्ट बदलने की कोशिश करेंगे। सर ये रे वो माधवी, ये बेल के गवाह। हेलो हेलो। तुम आधार कार्ड की कॉपी और टैक्स रिपोर्ट दे दो, कल दोपहर तक बेल की अर्जी लगा देना। ओके। सर क्या आप हियरिंग के लिए नहीं आ सकते? बेल तो पहले ही मिल गई है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तो बस डॉक्यूमेंट देने का काम है, माधवी देख लेगी। क्या होगा अगर कुछ आ गया? ये तो नहीं है। माधवी के पास बहुत एक्सपीरियंस है, बाद में कोई दिक्कत ना हो इसलिए तो पहले ही डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, चिंता मत करो। वकील साहब। हाँ आ जाओ जाओ, मैं जरा खाना खा लूँ। हाँ सॉरी मैं गलत ऑफिस में आ गया। अरे अरे कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हुआ? सब एक जैसा है। एक्सक्यूज मी वकील साहब कहाँ हैं? अरे मैं ही तो वकील हूँ। नहीं यहाँ पर एक और वकील थे ना? यहाँ तो बस एक मैं ही वकील हूँ। जाओ जाकर बोर्ड देखो, सतीश मुल्लो बीकॉम एलएलबी। यकीन हुआ? अरे वहीं रह गए, अंदर आइए ना। एक मिनट मैं एक फोन कर लेता हूँ। हाँ कुमार, मैंने उस बेवकूफ को बहुत समझाया, पता नहीं क्यों वापस आ गया। हो सकता है उसे तेरे पॉइंट्स समझ नहीं आए हो। मुझे भी यही लगता है, मुझे लगता है उसे वो घटिया ऑफिस देखकर थोड़ा शक हो गया है। तो जाकर कोई अच्छी जगह क्यों नहीं देखता है? अगर मुझे अच्छी जगह मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा क्या? पक्का ना? वो सुरेंद्रन अपना ऑफिस खाली कर रहा है, तुझे वो जरूर देखना चाहिए। कितना किराया होगा? कोई 15,000। अच्छे सेटअप के लिए ठीक है, लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाए? देख किराया देने वाला कोई भी मिल जाएगा, अपने घर वालों से मांग लो। हैं? अरे अपने जीजा से क्यों नहीं मांग लेता? अरे उसके बार के बियर्स की बोतल बेच के भी इतना पैसा आ ही जाएगा। नहीं नहीं वो नहीं हो पाएगा। हाँ लेकिन मुझे एकदम बाहर निकालने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? तुम तो मेरे भगवानों के भगवान हो। तू मौसमी जूस, ये सुनकर कोई अच्छा मुझे बताएगा यहाँ पर क्या सीरियस बात चल रही थी? अरे मैं इसे एक ऑफिस के लिए समझा रहा था। ये तो कभी नहीं होने वाला मुल्लू जी, ये बस बात करता है। अब तुझसे किसने पूछा है क्या? मैंने तो अपना ओपिनियन देना कब से बंद कर दिया है। तो फिर तुम मत बोलो ना। नहीं बोलूंगी, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? सुन मधु, मेरे पास कोई परमानेंट ऑफिस नहीं होगा जब तक इसके पास ना हो। आज दोपहर तक फैसला आ जाएगा और वो हमारे फेवर में होगा। ये नॉन वेज है। कौन सा केस?
डोमेस्टिक वायलेंस। सच में डोमेस्टिक वायलेंस है या तुमने ऐड किया था उसमें? और कैसे जीते, इसीलिए तो मुझे शादी करने से डर लगता है। तुम डरते ही रहना। और नहीं तो क्या, वरना मैं भी उस बेचारे की तरह फंस जाऊंगा ना। क्या बेचारा, तुम्हें उसके लड़कियों के साथ सोने से प्रॉब्लम तो फिर नहीं इस बात है? पे बहस क्यों कर रही हो? कानून तो पहले ही औरतों के फेवर में, तो फिर झूठे आरोप क्यों लगाते हैं? कौन से झूठे आरोप? मेंटल अब्यूज डोमेस्टिक वायलेंस ही है इबिन। औरतों को किसी फेवर की जरूरत नहीं है, अगर तुम पहले ही फैसला ना सुना दो। रुको, तुम क्लाइंट के पीछे क्यों बहस कर रहे हो? मैं अभी वहां आती हूं, सर ने मुझे ऑफिस बुलाया है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, किसी बिचारे को फंसाना भी तो होगा तुम्हें। एक कान से मत सुनो, भैया जूस के पैसे वो देगा। तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगे, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ, सच में। मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। चिंता किस बात की, मैं अकेली नहीं हूँ, चेरियन सर साथ में है। हैं? देर नहीं होगी। मधु। अरे तुम अभी तक गए नहीं? मैं जा ही रहा था, तुम्हारी माँ ने बोला कि तुम अकेली हो, तुम डर ना जाओ, इसलिए सोचा कंपनी दे दूँ तुम्हें। तुम्हें किसने कहा कि डर रही हूँ? अगर मैं अकेली गई तो कोई मुझे किडनैप कर लेगा क्या? अगर वो तुम्हें नहीं जानते होंगे तो। मधु, मैं यहाँ से राइड जाऊंगा। क्यों? मुझे वहाँ एक दोस्त से मिलना है, बाद में मिलते हैं, फिर गुड नाइट। तुमने कहा था कि तुम घर तक छोड़ोगे। तुमने तो कहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता है और मैं यहाँ से चला जाऊं। हाँ, मैंने कहा था मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन तुम्हें वो नहीं बोलना चाहिए जो तुम नहीं कर सकते। बोला था ना, बस बात कर सकते हो। लेकिन तुम्ही ने तो जाने को कहा। मैं देख लूंगी, तुम जाओ तो, गुड नाइट। आ गई। अरे वाह, एबिन भी साथ आया है। मैंने उसे आने के लिए नहीं कहा, वो खुद आया है। आ जाओ बेटा, खाना खा के जाओ। मेरी बहन और जीजा घर पर आए हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुमने कहा कि तुम फ्रेंड से मिलने जा रहे हो। मैं जो चाहे बोल सकता हूँ। बाय, मिलता हूँ। बाय। तुम्हें भी मिलता हूँ। हमारे लोगों ने पिछले चालाकोटी इलेक्शन में जैकब जी को धोखा दे दिया। आपको पता है वो इस बार कहां से लड़ रहे हैं? कहां से? पाला कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां हमारा होल्ड है। हम जीत जाएंगे डैडी, पता है ना कितना खर्चा होगा? एबिन, पता है मेरा कितना खर्चा होगा? करोड़ खर्चा होंगे पापा। इससे कुछ होगा भी जोस? बहुत अच्छा होगा डैडी, खाना छोड़ो और मुझसे बात करो। सुन रहा हूँ मैं जीजा जी। हम जैसे गरीब शराब के कारोबारी राजनीति के बिना नहीं रह सकते। अगर मिस्टर जैकब मिनिस्टर बन गए, हमारे लिए अच्छा टाइम आ जाएगा। तो मैं रामापुरम और किदनगुर के बार का लाइसेंस रिन्यू करवा दूंगा, जनता की सेवा के लिए। साले को भी फायदा हो जाएगा। बस बस, थोड़ा नहीं, तुम्हें बहुत फायदा होगा। मैं वो बीफ की बात कर रहा हूं। बीफ तो मैं भी थोड़ी लूंगा। फायदे से तुम्हारा क्या मतलब है बेटा? कई सारे फायदे, मैंने कुछ चीजें सोची हैं। मेरी शादी मिनिस्टर की बेटी से करवा रहे हो क्या? काश हो सकती। सुनो जोसे, प्लीज लाइफ में कुछ करने के लिए इसकी हेल्प करो ना, वरना देखो ये ऐसे ही इधर उधर आवारा लड़कों की तरह भटकता ही रहेगा, कोई लड़की नहीं मिलेगी इसे। माँ, ऐसे ही तो लड़के समझदार बनते हैं, बड़ा हो जाएगा तो लड़की भी ढूंढ लेंगे। मिनिस्टर की बेटी है तो मैं कर लूंगा। मेरी टांग खींचना बंद कर। सुन, तुझे ऑफिस के लिए जगह मिली? देख रहा हूँ, अभी तक कुछ मिला नहीं। कुरिया जी जगह खाली कर रहे हैं थम्पुरन में, तुझे वहाँ किराया भी नहीं देना पड़ेगा, मैं बात कर लूंगा। ये तो ठीक नहीं है। ओ माँ, मुझे फोन दे दो। खुददारी। ये लो। वेटनेस को बुला लो, मैं 2 हफ्तों की तारीख दे रही हूँ। दूसरा केस आ गया था, यहाँ क्या चल रहा है? वो हमें बस बुलाने वाले हैं। वो हमें। ये लो, ये लो, ये लो। मैं मुलजिम की तरफ से हूँ योर ऑनर।
Bail application already allowed. Today, sureties are present for executing bail bond. यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट क्यों नहीं है? बेल के लिए क्या जरूरी है वकील को ये भी नहीं पता है? योर ऑनर उसी में ही है। कहाँ है? वो वहीं पर थे। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। द काउंसिल शुड बी रिस्पॉन्सिबल। डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट। बेल कैंसल्ड। योर ऑनर अगला केस बुलाओ। SC 257/18। अब क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हें यकीन है? मैंने वो ऑफिस छोड़ दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने छोड़ दिया? लेकिन क्यों? जब बेल एग्जीक्यूट करने गए, लैंड टैक्स रिसीट पता नहीं कहाँ मिस हो गई। बेल रिजेक्ट हो गई। क्लर्क ने फोटो स्टेट की शॉप पर डॉक्यूमेंट खो दिए, लेकिन सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, ये बाद में पता चला। और सीजो ने इसका फायदा उठाकर मेरी बेइज्जती करी। थॉमस सर ने सबके सामने मुझे बहुत सुनाया, किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उन्हें बाढ़ में जाना तो मधु, तुम एक अच्छा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। अब मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकती, मैं अकेले करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, देखा ये हुई ना बात। मुल्लूर जो ऑफिस स्पेस बता रहे थे, हाँ। मुझे मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे नहीं, वो स्पेस तो मैं ले रहा हूँ ना। अरे तुमने पक्का तो नहीं किया? अरे बोला तो था कि मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तुम सोचते रहो, हम चलकर वो जगह देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, तुम कोई और जगह ढूंढ लो मधु, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में काफी सोचा था। तुमने तो डिसाइड भी नहीं किया था ना, जब तक ये बात मैंने तुमसे नहीं कही। देखो तुम कुछ भी मत सोचो, मैंने सोच लिया है कि ये जगह मुझे ही चाहिए। तुम्हारी दिक्कत क्या है? जगह साथ में क्यों नहीं ले लेते? और क्या, वहां दो की जगह है खाली, अभी तुम किराया भी बांट सकते हो। क्या दही जम गए मुंह में? हम ऑफिस फेस कर सकते हैं, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? देखो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है, चलो देखते हैं। यही जगह है? हाँ इधर ले। रोज सीढ़ियां चढ़ोगे तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। देखो यहाँ तो बहुत सारी जगह है, एक ऑफिस यहाँ और दूसरा वहां, सुपर है ना? क्या तो डील फिक्स करें? हाँ नहीं, लेकिन वो अब और कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास तो एडवांस भी नहीं है। हाँ एडवांस मैं देख लूंगा, अमीर बन जाओ तब दे देना। चलो मैं उसे फोन कर लूं। मधु देखो आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है, वो किसी से मिलना है। क्लाइंट है क्या? क्लाइंट नहीं है। फिर कौन है? शादी की लिस्ट से रिश्ता आया था, उसी लड़की से अनऑफिशियल मीट है, अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ। एबी ये क्या कोइंसिडेंस है? मेरे घर वालों ने भी मुझे बताया कि मुझे देखने के लिए भी कोई आ रहा है। उसे छोड़ो, तुम अपना बताओ। ए लड़की की फोटो? फोटो तो नहीं है। अच्छा अभी तक उसकी फोटो भी नहीं देखी? तुम तो बहुत एक्साइटेड होंगे ना, अगर वो पसंद आ जाए तो ज्यादा इंतजार मत करना, कब तक जवान रहोगे। तुम्हें प्रपोजल कब आया? शादी का? माँ जल्दी में है, उन्होंने पूछा कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैंने मना कर दिया और वो ये प्रपोजल लेकर आ गई। देखो ये है वो लड़का, हम एक ही एज के हैं, अच्छा है ना? मजिस्ट्रेट के एग्जाम भी क्लियर कर ही लेगा। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। मुझे एप्लीकेशन फाइल करने जाना है, अपनी वाली के साथ एक सेल्फी भेजना मुझे। और तुम वापस जाते हुए मुझे लेकर जाओगे ना, बिना स्कूटर के? मैं कैब लेकर जल्दी पहुंच जाऊंगी, मिलती हूँ फिर। क्या हुआ, फोटो लिया? फोटो नहीं लिया, मतलब मौका ही नहीं मिला। एक काम भी नहीं हुआ? कोई बात नहीं, जब मंगनी होगी तब मिल लूंगी उससे। अरे क्या हुआ, उसे तुम पसंद नहीं आए क्या?
क्यों पसंद नहीं करेगी? सच बोलूं तो मुझे लगा था कि तुम्हें कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छा हुआ तुम थोड़े समझदार हो जाओगे। मतलब मैं समझदार नहीं हूँ क्या? तुम नहीं हो, लेकिन लेकिन क्या? रहने दो, चलो। देखो मधु, बिना सर पैर की बातें मत करो तुम, जो बोलना है मुंह पे बोलो। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। मैंने बिना सर पैर की बात कब किया? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला नहीं रहा हूँ मैं, बस बोल रहा हूँ। एबे बीपी मत बढ़ा, मैं मजाक कर रही थी। क्या मतलब मजाक कर रही थी? हे भगवान, मैं शादी के बारे में मजाक कर रही थी। हाँ? लेकिन क्यों? मेरा मन किया तो बोल दिया। मैंने झूठ बोला जब मैंने ये कहा कि मैं किसी से प्यार नहीं करती। और वो फोटो एक फ्रेंड के व्हाट्सएप डीपी थी। तो तुम अभी तक कहाँ पर थे? मैं तो बस वो चाय वाले का इंतजार कर रहा हूँ, मैं चाय बहुत पीता हूँ। जॉस जीजू, बताइए तो हम यहाँ किस काम से आए? इंतजार कर यार। कोई केस है क्या? केस है या नहीं बताओ। चलो उसकी बेटी से शादी करा दूँ। जोस तुम अंदर आ जाओ। बटन बंद कर यार। सच में उसकी बेटी से शादी कराओगे? हाँ, चल। नमस्कार जैकब सर। हाँ जोसे, मैंने सुना तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो सब तो झूठ है। इलायची के बगान में तो फिर से रेट गिर गया। हम रबड़ के बगान लगाना चाहते हैं रामापुरम में, पार्टनरशिप में। तो उस प्लान का क्या हुआ? तो ये है, स्मार्ट लग रहा है मेरा साला जो है। हाँ सही कहा। मैं जिस दिन से मिनिस्टर बना हूँ, इसने मुझे एक पल भी चैन नहीं लेने दिया। अपने प्लान के लिए रोज कॉल करता रहता है। लेकिन जब आपको मेरी जरूरत है तो उससे कम? वो तो हमारे बीच की बात है, ये बात अलग है। किस प्लान की बात कर रहे हैं ये? मैंने इसे अभी तक नहीं बताया। तुम्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने का प्लान। मुझको? हाँ देखो, खुश भी नहीं हुआ तो सोचो जब मैं इसका नाम आगे किया तो क्या होगा। भैया इस प्रोसिक्यूटर की लड़ाई के बाद बस एक ही प्रोसिक्यूटर की जगह है और उसके लिए लड़ाई चल रही है। तुम उसे जानते होंगे? कौन? एडवोकेट शनि अब्राहम और शाहुल अमित। उन दोनों को हमारे ग्रुप के बड़े लोगों का साथ है। इस बीच तुम्हारा नाम क्या है? एबिन मैथ्यू। वो इसका नॉमिनेशन रोक देंगे। कुछ तो करो सर, मैं इतनी दूर से आपका बहाना सुनने आया हूँ। थोड़ा शांत हो जा। तुम जितना सोच सकते हो चीजें उससे तेज बदल रही हैं। लड़ाई रोकने के लिए पार्टी ने एक तरीका निकाला है, युवा प्रतिनिधि। हाँ। उस गैप में मैं तुम्हारे साले का नाम दे दूंगा, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा साला बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाएगा। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है? मैं कैंडल का पूरा पैकेट जलाऊंगा चर्च में। इतने सारे लायक सीनियर्स हैं तो वो क्या सोचेंगे? अरे भाई ये सीनियर वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें लोगों की चिंता है तो अच्छा काम करो और उनका विश्वास जीतो। हम लोग भी यहाँ पर किसी एफिशिएंट नौजवान को ढूंढ रहे हैं। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। मिस्टर प्रोसिक्यूटर। क्या तुम भी? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। We'll be right back.
उदयनंद सर। नमस्कार सर। बैग? कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कब से? 3 साल से सर। हाँ, मैंने इस पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी। हाँ, पुलिस स्टेशन में बहुत काम होता है, लंच टाइम के बाद कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से घर जा सकता हूँ। चलो तो फिर आज का जो केस है ना, उसके बारे में मुझे थोड़ी सी डिटेल बता दो, आज सेशन के बाद में बात करते हैं। सर हाँ, वो क्या है कि मिनिस्टर जेकब के भाई का केस आज कोर्ट में है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि इसलिए आपको इस नौकरी पर रखा गया है। काफी लोग वैसे नाराज है सर कि आपने अपने सीनियर्स को पीछे किया है। उदयन सर, मैं यहाँ किसी और के लिए काम करने नहीं आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँ आप लोग उसे वैसा वैसा ही करो। सर आपने उसे बताया क्या हुआ? जोस का कॉल आया था। नहीं, जोस एक रिश्ते की बात कर रहा था, बड़े घर की लड़की है, ये सब बिना कहे हो सकता था। हम आगे कुछ करने से पहले तुमसे बात करना चाहते थे। पापा, हाँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। माधवी, मैंने आपसे कहा था ना? हमें लगा ही था, हमें भी माधवी पसंद है, लड़की अच्छी है। लड़की अच्छी है लेकिन वो दूसरे धर्म की है। मधु भी वकील ही है, मैं तो रेडी हूँ, वो भी मान जाएगी। वो बात नहीं है। हाँ। वो बदलेगी। लेकिन उसे बदलने की जरूरत क्या है? हमारे लिए नहीं, रिश्तेदार क्या कहेंगे, चर्च क्या कहेगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम चिंता मत करो, मैं पादरी से बात कर लूंगा, उसके परिवार को भी यह सब झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन वो तो मधु देख लेगी। मुझे पहले माधवी की माँ से बात करने दो, फिर देख लेंगे। तुमने अपने पेरेंट्स से शादी के बाद क्यों करी? लेकिन क्यों ना करूं मैं? मेरी शादी के बाद तुम्हें पहले मुझसे नहीं करनी चाहिए थी क्या? इस टॉपिक पर हमने कभी डिस्कस करा है क्या? मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है, वो बात तुम्हारे पेरेंट्स को बताने की नहीं है। देखो, बस ये शादी का प्लान थोड़ा जल्दी हो रहा है, मैं पहले सेटल होना चाहती हूँ। लेकिन हम सेटल नहीं हुए क्या मधु? तुम सेटल हुए हो, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है अभी, अभी तो शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारी शादी होने से तुम्हारे करियर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बोलर हो गया। हर किसी के प्रोफेशन में वर्क लाइफ बैलेंस करने की जरूरत होती है, वैसे भी ये कोई किसी पर थोप नहीं सकता है। प्रायोरिटीज के हिसाब से फैसला कर लेना, बाद में मुझे बता देना। मैं तुम्हें बुलाऊंगा ना तो तुम आकर इतना ही बोलना, पता नहीं था, सुना नहीं था, देखा नहीं था, बाकी मैं देख लूंगा। चलो फिर कोर्ट में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ी देर हो गई, केस तैयार है ना? हाँ सर, एक बेल की एप्लीकेशन है। क्या ऑफेंस है? शादी करने के बहाने रेप किया है। ओह, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई? नहीं सर, कल ही अरेस्ट हुआ है। हेलो मधु। सर हम पहले ही लेट है। ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। आई मिसलेनियस पेटिशन है ना? एपी, केस क्या है? फोन कहाँ है? अरे यहीं पर है, मेरे पास लेट हो रहा था तो। तुम्हारा केस कौन सा है? 375। ओके। CMP 184/19 पेटिशनर गौतम गणेश। I am for the petitioner, Your Honor.
Your Honor, the alleged offenses are under Section 375 and 415 of IPC. Rape under promise of marriage. Lekin ye ek false case hai. The petitioner is from a well-reputed family, highly qualified and has never committed any offense. Zahir taur par, is case mein charge kiye sections kisi bhi dhara mein nahi hai. तो इसलिए पेटिशनर को बेल मिलनी चाहिए योर ऑनर। क्या कहना है प्रोसिक्यूटर? योर ऑनर, पेटिशन मुझे 15 मिनट पहले ही मिली है और पेटिशन देर से मिलने के कारण उसे पढ़ा भी नहीं। देखिए, अगर हम लोग आज कर सकते हैं तो ठीक है, वरना पेटिशन की हेयरिंग आपको कल तक पोस्टपोन करनी होगी। मे नॉट बी योर ऑनर, लर्निड प्रोसिक्यूटर कैन नॉट सिंपली सीक टाइम फॉर एडजर्नमेंट। एक इनोसेंट इंसान को इस मामले में फंसाया गया है। कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली उसकी एज को कंसिडर करे। Your Honor, मैंने तो बस एक ही दिन का वक्त मांगा है। I have to go through the case, sir. कल second Saturday है। ऐसे तो कोर्ट दो दिन बाद ही खुलेगा। Your Honor, ये कोई मामूली केस नहीं है। दो दिन की कस्टडी से कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। Yes, उसे तो बस एक दिन चाहिए। I think his submission is reasonable. केस की सुनवाई मंडे होगी। केस पोस्टेड टू 10 जून मंडे। चलो देखते हैं। I'm sorry. तुम्हारी गलती नहीं है। नंदू, मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, तुम चाहती हो कि मैं ये केस लड़ूं? बेटा, तुम्हारे अलावा हम गौतम के केस में इतना भरोसा किसी और वकील पर नहीं कर सकते। आंटी ठीक है ना? मैं आकर मिलती हूँ। मधु, एबिन तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अभी तो मुझे नहीं लगता है। I'm sorry. जाओ जाओ। मैं सुबह से केस के लिए फोन कर रही थी जब मुझे पता लगा कि केस तुम्हारे कोर्ट में है। जब मैं निकल रहा था तभी तुमने मुझे कॉल किया। इस केस में तुम कहाँ से आ गई? वो मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं। मैं उन लोगों को बचपन से जानती हूँ। उसने मुझे रात को कॉल करा। मैं तो इस केस को लेकर एक्साइटेड था, लेकिन अब तो ये इशू बन गया। क्या इशू? तुम एक प्रोसिक्यूटर हो, तुम्हें कई जाने पहचाने चेहरे दिखने वाले हैं हमारे कोर्ट में। तो क्या, हम सब प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन हम दोनों बस कॉलीग्स नहीं है ना, हमारी फैमिली इस संडे को मिलने वाली है। अब तुम ही बताओ क्या करेंगे। मैंने नंदू से हमारे बारे में बात की है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारे क्लाइंट को इश्यू है तो वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ला सकता है इस केस में। देखो मधु, मेरे करियर का ये पहला मेजर केस है। अगर नाम लिया तो मेरे लिए शर्म की बात होगी, वो भी शादी की वजह से। मेरी पोस्टिंग को लेकर पहले ही नाराजगी है। देखो, ऐसे केस छोड़ना जरूरी नहीं है। अपने क्लाइंट से बात करो, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, और शादी को आगे बढ़ा देंगे अगर जरूरी लगे। लोग तो पहले ही मधु की शादी ना करने का दोष दे रहे हैं, और अब ये एबिन है, इसीलिए मैं एकदम मान गई। बाईपास बन जाएगा तो आना जाना आसान हो जाएगा। तुम देखना, ये कभी नहीं बनने वाला। ये सब तो बस सरकार की बातें हैं, ये नहीं बनेगा देखना। इसे केक पसंद है ना, उसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। हमारी फैमिली अभी सब कुछ डिस्कस कर रही है। क्या हुआ? हमें स्टैंड लेना है ना। टेंशन में मेरे साथ बैठी है, मुल्लू रहे। ए, बिल्कुल लूंगा मैं स्टैंड। हम चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो। हम भी। हम बस शादी चर्च में करना चाहते हैं, वरना हमें बहुत परेशानी होगी। लेकिन अगर चर्च में होगी तो हमारे रिश्तेदार, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। क्या हम ये रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं कर सकते क्या? तुम ये नहीं बोलते, अगर तुमने सही धार्मिक पढ़ाई की होती तो। हम अपने चर्च के समाज को नाराज नहीं कर सकते। बच्चों की माने तो रजिस्टर ऑफिस ही सही है, लेकिन जैसा आपने कहा, हमें भी अपने रिश्तेदार देखने हैं। दोनों के रीति रिवाजों से करना ठीक नहीं है। अब चिंता मत कीजिए, बिशप से बात करके बैप्टिज्म भी देख लेंगे, यही कोशिश करते हैं। पहले मैं भी पंडित जी से बात करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। बिल्कुल, ये भी सही है। हम तो ज्योतिष में विश्वास ही नहीं करते, हमारी तो भगवान और हमारी बीच की बात है। है ना?
हमें भी कुछ कहना है आपसे। ये डिसीजन हम दोनों ने साथ मिलकर लिया है। आप सब लोग हमारे केस के बारे में तो जानते हैं। जब तक वो खत्म ना हो हमें वक्त चाहिए। मेरे हिसाब से केस के बीच में शादी। चुप कर मधु। सुनो, चाहो तो केस तुम छोड़ दो, लेकिन हम ये शादी डिले नहीं कर सकते। हाँ, केस से मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी डिले नहीं होनी चाहिए। Petitioner is allowed and the bail is granted on following conditions. Bail सिर्फ तभी दी जा सकती है जब petitioner के पास 50,000 का बॉन्ड और दो लोग जमानत के लिए हो। Petitioner को बिना कोई चूक किए investigation officer के पास आना होगा जब भी केस के दौरान उसे बुलाया जाए। दोषी किसी भी क्रिमिनल केस में नहीं पाया जाना चाहिए, ना ही केस के किसी भी गवाह को बहलाएगा। सर, मैं शिवा कुमार, मैं उस लड़की का पिता हूं। ओ, चलो मेरे ऑफिस में, चलो बात करते हैं। चलो। सर, आप क्या करते हैं? मैं अटिंगल टाउन प्लानिंग में ऑफिसर हूं। देखिए, उस बेल की चिंता मत कीजिए आप, क्योंकि ये किडनैपिंग या फिर कोई ब्रूटल रेप केस नहीं है और उसके खिलाफ कोई पुराना क्रिमिनल केस भी नहीं है। उसे बेल आराम से मिल सकती थी, लेकिन मेरा काम उनकी जिंदगी आसान करना तो नहीं है ना। केस मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की रिपोर्ट पुख्ता है। क्योंकि केस अगर 375 के अंडर है तो शारीरिक संबंध अगर जानबूझकर भी है तो फिर वो रेप तभी माना जाएगा जब शादी का झूठा दिलासा दिया गया हो। दोषी के लिए ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं है। सर, मैं बाहर ही हूँ। लेकिन सर, मुझे आपकी बेटी से बात करनी होगी। सर, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो आपको आपके ऑफिस में मिलना नहीं चाहती। मैं आपकी बात समझता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, मैं मिलने के लिए घर आ सकता हूँ। देखिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है सर? आपके घर आकर ही बताऊंगा। वो तो और वो उसकी वकील कोई दिक्कत तो नहीं देगी? नहीं, चिंता मत कीजिए। अनुषा, यू ओके? सिर्फ पुलिस कंप्लेंट ही काफी नहीं है, हमें ये सब कोर्ट में प्रूव करना होगा। इसीलिए जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी क्लैरिटी चाहिए होगी। अनुषा, कोर्ट मुझे सिर्फ एक वकील की तरह नहीं देखती है, मैं तुम्हारी आवाज हूं। कोर्ट में तुम क्या कहना चाहती हो वो सब कुछ मुझ पर है। मैं जाती हूँ। चलो अंदर चलो। ध्यान से। गौतम, एक बार के लिए भूल जाओ कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं एक लॉयर हूँ, बस ये बात याद रखो। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस केस की एक एक डिटेल्स मुझे बताओ, एक एक बात जो तुमने या तुम्हारी बहन ने पुलिस को बताई है। बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? सायरा मेरी पीजी की रूममेट, गौतम की कॉलेज की फ्रेंड है। सायरा ने मेरा रेज्यूमे गौतम को दिया था, फिर मुझे आर्किटेक्चुरल फर्म में जॉब मिली जहां गौतम काम करता था। तुम दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए? मुझे गौतम को असिस्ट करने का काम मिला था, इसीलिए हम हमेशा साथ रहते थे। And you fell in love. और उसका क्या? उसने हमेशा ऐसे बिहेव किया जैसे वो भी वही फील करता था। ऑफिस में सब जानते थे ये। क्या गौतम ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे शादी करने वाला है? वो अच्छे से जानता था कि मुझे छेड़खानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कहता। बिल्कुल नहीं, वी वर जस्ट क्लोज फ्रेंड्स। मैं उसके साथ वैसे ही रहा जैसे मैं दूसरों के साथ रहता था। वो कैसे सोच सकती है कि मैं उसका दिमाग पढ़ लूं? हाँ बताओ, उसने कभी अपनी फीलिंग्स मुझे नहीं बताई। वो कैसे कह सकती है कि मैंने उसे शादी के लिए बोला? जो भी तुम दोनों के बीच शारीरिक हुआ, वाज इट अ फर्स्ट टाइम? वो सब कुछ कैसे हुआ था फिर? पहले शुरुआत किसने की?
देखो मैं जानता हूँ कि ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। एक रात उसने मुझे अपने फ्लैट में डिस्कशन के लिए बुलाया। तुम दोनों अकेले थे? विमल जी थे वहाँ, लेकिन डिस्कशन के बाद वो चले गए। उसके बाद रात को हमने कुछ देर बात की। एक पॉइंट पर अगर आप पूछोगे कि हम उस पॉइंट पर कैसे पहुंचे, मुझे नहीं पता। वो बस हो गया। जब हमने अगली सुबह बात करी, तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं कुछ भी कह गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? अनु, वो बस हो ही गया। तुम बस उठकर ये नहीं कह सकते हो कि मुझसे शादी करो। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार की बात कहाँ से आई? लेकिन वो हम बाद में बात करते हैं। मैं तुम्हारे लिए उबर बुक करता हूँ। जो हुआ क्या वो बस मेरी गलती थी? हाँ, अगर वो मुझसे शादी करना चाहती थी तो मुझे इसमें नहीं डालती। उसकी एक फ्रेंड है सायरा, अनुषा ने तुम्हें बताया होगा, मुझे उसके बारे में सब पता चला। उसने अपने हॉस्टल में खुद को मारने की कोशिश की, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसकी मां ना होने पर मैं उसके लिए मां बना। वो बिल्कुल भी आसान नहीं था, वो रोने से रुक नहीं रही थी, वो शादी करना चाहती थी। तो मैंने उससे फोन पर बात करने की कोशिश की। उसके पापा ने उसे शादी करने के लिए डराया। मैं परेशान हो गया और उन पर चिल्ला पड़ा। फिर मुझे पता चला कि उन्होंने मुझ पर केस कर दिया है। उसने मेरी बेटी को चीट किया और उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं इस छानबीन में हार गया, एक बाप की तरह भी हार जाऊंगा। आखिर उसे परेशान होना चाहिए, मेरी बेटी को नहीं। वक्त बदल गया है सर। He knew I was in love. फिर भी उसने ऐसा किया। पहले जानकर किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। इस केस में डिफेंस लॉयर है माधवी। हम दोनों की शादी होने वाली है। ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, ये मैं जानता हूं, लेकिन कोर्ट में हम लोग प्रोफेशनल्स की तरह ही बात करते हैं। मैं वादा करता हूं आपके केस को औरों के केस की तरह ही देखूंगा, और इसी के साथ मेरे करियर का ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको मेरे कमिटमेंट पर डाउट है तो आपको स्पेशल प्रोसिक्यूटर रखने का भी ऑप्शन है। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो ही हम इस केस में आगे बढ़ेंगे। माधवी की मां का फोन था, उन्होंने ज्योतिषी से बात की है। सितंबर 8 तारीख का शुभ मुहूर्त निकला है, वो लोग भी मान गए हैं। सुबह मंदिर जाकर अपने रीति रिवाज से कर लेंगे और दोपहर को चर्च जाकर उनकी, ठीक है? क्या आपने चार्जशीट में बयां किए गए जुर्म किए? नहीं। क्या हम केस की ट्रायल लिस्ट करें? बिल्कुल, इसे सितंबर की लिस्ट में ऐड करते हैं। इस केस का ट्रायल 2 सितंबर को किया जाएगा। केस में पीड़ित का बयान काफी होता है और कोर्ट इसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मानता है। हमें उसकी स्टेटमेंट में कमियां निकालनी होंगी। अगर हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए तो
हम बोल सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर है। हमें कोई भी बहस करने के लिए पहले एविडेंस चाहिए होगा। दोषी के उसे दिए गए गिफ्ट और ऐसी सेल्फीज जिसमें दोनों बहुत ज्यादा क्लोज दिख रहे हो, ये भी बहुत हेल्प करेगा। हमें ये भी देखना होगा कि हम प्रोसिक्यूशन के किसी गवाह को अपनी तरफ कर सकें। तो एविडेंस तो हमारे फेवर में है और ऐसे सारे केसेस में कोर्ट औरत की तरफ होता है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। बस एविडेंस से केस नहीं जीता जाता है, सिर्फ सच को जानना सफिशिएंट नहीं है बल्कि सच को कोर्ट में कैसे पेश किया जाता है वो भी मैटर करता है। सर। हाँ अनुषा। वो कार में है सर, उसे बोलना होगा उसने जबरदस्ती की थी। ठीक है, AC 1398/19 एक्सक्यूज्ड गौतम गणेश। Accused is present, Your Honor. Witness is present, Your Honor. PW1, Anusha Shivkumar. It's going to be in camera proceedings. सभी लोग, इस केस के witness, इस केस के defense attorney and public prosecutor के सभी बाहर जाए। All the best. You too. क्या तुम आरोपी से प्यार करती थी? हाँ। क्या तुम्हें ये लगा कि वो भी प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है? हाँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? वो ऐसे ही बात करता था। क्या तुम कोर्ट को बताओगी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि उसे भी तुमसे प्यार है और वो शारीरिक संबंध तक कैसे पहुंच गया, बताओगी? घबराओ मत, मुझे बताओ। मेरी रूममेट है ना सहरा, सहरा ने ही मुझे मेरा रेज्यूमे गौतम की आर्किटेक्चुरल फर्म में देने के लिए कहा था। अगले दिन मैंने शादी के लिए कहा तो गौतम ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। योर ऑनर, ये उनके व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट है और ये रहे उनके पर्सनल फोटोज। ये सब दिखाता है कि आरोपी विक्टिम से कैसे मिलता था और वो दोनों कितने करीब थे। और ये मेरे क्या तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे संबंध के बारे में पता था? योर ऑनर, अनुषा की मां सालों पहले ही चल बसी थी। अपने पिता को इस बारे में बताया? मैंने पापा से बात करने के लिए कहा, गौतम ने ठीक से बात नहीं की। प्रोसीड। यह आरोपी का दिया हुआ उसके जन्मदिन का तोहफा है। साड़ी गिफ्ट करना हमारे कल्चर में शादी का वादा करने जैसा ही होता है। ये सिर्फ उसे वैसा एहसास दिलाने के लिए दिया गया था। और ये भी देखिए कि आरोपी किस तरीके से हमारी विक्टिम को गुमराह करने में लगा था। देयरफॉर सेक्शन 417 ऑफ IPC रेड विद 415 स्टैंड्स वैलिड। क्या उस दिन तुमने यही ड्रेस पहनी थी? हाँ। इसमें जो बटन्स थे वो सब टूट कैसे गए? मुझे ये ठीक से याद नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ था? मैंने थोड़ी वाइन पी थी। ओ, क्या तुम आमतौर पर शराब पीती हो? नहीं। तो उस दिन ऐसा क्या अलग था? जब गौतम ने पीने को बोला तो। ऑफ कोर्स, ऐसे अजनबी के साथ नहीं, जिससे प्यार करती हो उसी के साथ। तो फिर क्या तुमने इतनी ज्यादा पी ली थी कि कुछ याद नहीं है? उसके बाद क्या हुआ था? उसने जबरदस्ती की थी? उसने जबरदस्ती की है ना, और बाकी चीजें उसी के बाद हुई थी ना। योर ऑनर, एक औरत के साथ शारीरिक संबंध उसके कंसेंट से होता है और वो भी तब जब वो नशे में ना हो और उसने किसी तरीके की शराब ना पी हो, है ना। क्योंकि वो नशे में थी इसीलिए। हर कंसेंट इज अ मैनिपुलेटेड वन।
This offense can be read into section 375 of IPC by using the definition of word consent from section 90 IPC. अगर तुम्हें पता होता वो तुमसे शादी नहीं करेगा तो क्या तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती? नहीं। No more questions, Your Honor. Are you all right? तुमने बताया कि तुम्हारी ड्रेस के बटन्स टूट गए थे, लेकिन तुम्हें और कुछ याद नहीं है कि उस रात को क्या हुआ था। तो फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये उसी रात को हुआ था? Your Honor, sexual molestation के विक्टिम पर सवाल उठाना उसकी बेइज्जती होगी। आप जरा उसकी हालत तो देखिए सर। Your Honor, मेरा मानना है कि अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विक्टिम अपनी ड्रेस के बटन बाद में भी तोड़ सकती है। डिफेंस केस को गोल घुमाने की कोशिश कर रही है सर। केस को गोल घुमाने का काम प्रोसिक्यूशन कर रहा है। आजकल इनकी उम्र के नौजवान साथ में फोटो तो लेते ही हैं। व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस करना या गिफ्ट देना किसी रिलेशनशिप के साइन नहीं है। मुझे बताओ, क्या मेरे क्लाइंट ने तुम्हें कभी साफ साफ कहा कि वो तुमसे शादी करेगा या फिर एटलीस्ट प्रपोज किया? किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में प्रपोज करने की जरूरत नहीं होती, जानते नहीं हो क्या? Your Honor, the law clearly states that the promise of marriage can be inferred from the action and conduct of the accused. सबूतों और विक्टिम के बयान से आरोपी का बिहेवियर साफ साफ दिखाई दे रहा है, Your Honor. हाँ शायद, लेकिन जब एक दूसरे से शादी की बात हुई नहीं है तो ये क्यों माना जाए कि मेरे क्लाइंट शादी के लिए तैयार था? Assumption की बात नहीं है, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो शादी करना चाहते हैं, ये उनका विश्वास होता है। सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होना चाहिए जिसकी वजह से ऐसी assumptions बन जाती हैं। आज के दिन से लेकर जब तक की मौत नहीं आ जाती, अच्छे और बुरे में, अमीरी या गरीबी में, एक दूसरे से जिंदगी भर प्यार करोगे और इज्जत करोगे। ये कोई चैनल की चर्चा है? ये कोर्ट है, डिसिप्लिन होगा तभी हम आपके इस केस को आगे बढ़ाएंगे। मथन, मैंने उन्हें कहा था कि हम थोड़ा पिएंगे और यहीं सोएंगे। मैंने भी उनको बोला था। ठीक है बाय। ठीक है फिर, कॉल करता हूँ। बाय। ओके बाय, सी यू। सोसी वो जा रहे हैं। बच्चों बाय बोलो। बाय। ठीक है फिर, बाय। बाय। ओके। चलो मैं बदल लेती हूँ। कोई नहीं, हम बस निकल ही रहे हैं। अच्छा, कल सुबह मैं मधु के घर जाऊंगी। जोश नहीं आ पाएंगे, वो मुआटीपुरा जा रहे हैं। हमारे साथ आ जाना। ठीक है फिर, चले। अच्छा एक बात बताओ, तुम नए घर में कब जा रहे हो? अगले हफ्ते तक शिफ्ट हो जाएंगे, हमने तो कुछ सामान भी वहाँ रख दिया है। ठीक है एबिन। ठीक है एबिन। ठीक है फिर, बाय। ध्यान से चलें। जोश हम भी निकले। हाँ। छोटे को नींद आ रही है, हमें उसे उसके कमरे तक छोड़ना चाहिए। लेकिन माधवी तो पहले ही चली गई। माधवी गई? हाँ। चलो मेरा हाथ पकड़ो। भाई साहब तुम तो पहले ही लेट हो गए हो, तुम्हारी वाइफ तो पहले ही चली गई। फालतू चीजों में टाइम वेस्ट मत करना, समझे? सब कुछ संभाल लेना। ओके दीदी, फिर मिलते हैं। ओके माँ, चलो ना। ओके जीजू। अरे जाओ, अरे आप जाइए पहले, आप जाइए। माँ हार लटकाने के लिए बार बार फोन कर रही है। हार क्यों? ये माना जाता है कि शादी का हार फेंकना नहीं चाहिए। उन्हें डर है कि कोई ऐसा कर ना दे। उन्होंने चार बार फोन किया, उन्हें एक फोटो भेजी देती हूँ। कमाल है यार, रिवाज मानते कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम इसमें फंसेंगे, मुझे पक्की उम्मीद थी इस बात की। इसीलिए तो मैंने कहा था कि नए घर में चलते हैं, हमारा खुद का प्राइवेट स्पेस अच्छा होगा ना। क्या हुआ, तुम थक गई? नींद आ रही है क्या? मेरी तो फुल एनर्जी है। एक सुबह की शादी, एक दोपहर की शादी और फिर शाम को रिसेप्शन, मेरी तो एनर्जी फुल है। नींद आ रही है तो आराम से लेट जाओ। एबी, मेरे लिए ये सब आसान नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए किया। जानता हूं मैं,
मैं भी इस बात का कभी तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहता था, लेकिन जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तो चीजें हाथ से निकल जाती है। वैसे हम भी तो यही चाहते थे ना, बस टाइमिंग नहीं मांगनी चाहिए थी। सो गई क्या? मुझे नई जगह नींद नहीं आती है। अच्छा है ना, लाइट ऑफ कर देता हूँ। तुम्हें थकान नहीं हुई? थका बहुत हूँ, लेकिन और थकूंगा ना तो अच्छी नींद आएगी। ये क्या है? तुम्हारे डैड भी पहले हिप्पी थे ना? पहले वो ट्रेंड हुआ करता था। इसे पहचाना? नहीं। गौतम? ओ, पहले भी लड़कियों से घिरा रहता था। वो शरीफ है, वो नंदू, मैं और हमारे दोस्त हैं। लेकिन जो भी विमल ने कहा था उससे तो वो शरीफ नहीं लगता बिल्कुल। हमें कैसे पता कि वो सच बोल रहा है? हमें क्या पता हमारे क्लाइंट सच्चे हैं या झूठे। हम सच्चाई की गुहार लगाते हैं, अपनी फीस लेते हैं, खत्म। एबी। यस योर ऑनर। क्या वो ऑफिस स्पेस खाली कर दूं और किसी छोटी जगह मूव कर लूं तो उससे हमारा थोड़ा रेंट बच जाएगा? वो सब तो मैनेज हो जाएगा ना, वो ऑफिस मत छोड़ना। तुम तो अभी उसमें आने नहीं वाले। क्या पता मुझे, सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन उस स्पेस को रखनी चाहिए, वो हमारी स्पेस है ना। रोमांस? सच्ची? बिल्कुल। तुमसे एक बात पूछूं? तुमने विमल की अगली हियरिंग के बारे में क्या सोचा है? हाँ जरूर, जीतना है तो खुद से जीतो उसको, ये प्रोसिक्यूटर बातों में नहीं आने वाला है। क्या मैं तुम्हें मना नहीं सकती? मुझे ललचा रही हो? अगर हाँ तो? अगर तुम, शादी को एक हफ्ते हो गया, अगर तुम अच्छी तरीके से मुझे ललचाओगी तो बता दूंगा। हाँ बस यही कहना रह गया था। सच में? क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कैसीनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें, और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। एबी? एबी ये देखो जरा, देखो इसे, ये देखो, कल मैंने इसे पहना था और इसके बटन टूट गए। ये तो कभी भी हो जाता है ना। शे, नहीं सुनो, ऐसे ही उसके बटन भी टूटे होंगे। किसकी बात कर रही हो? एबी, अनुषा, याद है तुमने कहा था गौतम ने जबरदस्ती की होगी? क्या हो अगर उसने नहीं की और ऐसे ही टूट गए हो? मधु देखो, कोर्ट की बातें घर पर मत करो, और हमें लगा हम इस बात पर अग्री करते हैं ना। सॉरी, ऐसा हुआ तो सोचा कि तुम्हें बता दूं। तुम सुबह सुबह कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो क्या? तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? जाओ जल्दी तैयार होकर आओ, बटन टूटना भी इसके लिए जरूरी हो गया। उन्होंने काउंटर पेटिशन डाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट एक कमिश्नर लगा दे तो उसके आने से पहले हमें पैसे देने होंगे। और वो कितना होगा मैडम? एक मिनट। हेलो जोसे जी। हाँ, मैंने एबिन को कॉल किया था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। एबी अभी कोर्ट में बिजी होगा। ओह तभी। क्या हुआ? मैं पेरूरकाड़ा पुलिस स्टेशन में हूँ, अपना स्कारिया जो चेरपुंकल में रहता है उसका बेटा सन्नी और उसके दोस्त एक बार में गए और झगड़ा हो गया, और यहाँ पे किसी को चोट भी लग गई है। तुम्हें सन्नी याद है? वो तुम्हारी रिसेप्शन पर आया था, जिसने कहा था कि उसने सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर दिया है। चलो वो छोड़ो, माधवी क्या तुम यहाँ आ सकती हो? जोशी जी, मेरे वहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने विटनेस की गवाही ले ली होगी, 161 लगा होगा, तो अब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। कोर्ट केस हम देख लेंगे। तुम ये कैसे कह सकती हो, उसने तो कुछ किया ही नहीं। जोशी जी, लेकिन ये तो हमें कोर्ट में साबित करना होगा ना, यही एक तरीका है। हाँ ये तो सही है, रहने दो फिर। सॉरी। तुम जल्दी आ गई थी ना? हाँ, मेरे पास दिन में आज कोई क्लाइंट ही नहीं थे, मुझे डिफेमेशन केस को भी देखना था, तो
तो फिर मैं राशन लेकर घर आ गई। एबी नहाकर ये काट दो प्लीज। जल्दी खाना बनाना शुरू क्यों कर दी? मुझे कल के लिए प्रिपेयर करना है, जो वो कैसे भी करके खत्म करना है। फिर तो हम बाहर से कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे, है ना? नहीं, ये बस पूरा होने वाला है। मधु। हाँ? दिन में अगर तुम फ्री थी तो जॉश ने जहाँ बुलाया था वहाँ जाना चाहिए था ना। उनके दोस्त का नाम विटनेस के स्टेटमेंट में था, वहाँ जाने का कोई पॉइंट ही नहीं था। वो सब तो हम जानते हैं ना, उसके समझ में नहीं आता। मैंने उन्हें ठीक से समझा दिया था। लेकिन तुम उसके लिए वहाँ पर जा सकती थी, है ना? क्या वो इतना जरूरी था अभी? मधु, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर पुलिस स्टेशन में उनके साथ एक वकील जाता तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हैं ना, इसीलिए तुम्हें कॉल किया था। एबी, आज ही सुबह तुमने मुझे कहा था कि कोर्ट की बात को घर नहीं लाना है, मुझे भी देखो वही चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि जोसे को इससे कोई दिक्कत होगी, वो समझ गए होंगे। हमें नहीं लगता है कि उनके समझ में भी आया है। फैमिली के काम वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, चीजें आसानी से खराब हो जाती है, तो इसीलिए जोसेफ ने सारी बात अपने दिल पर ले ली है और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सबको डिनर पर बुलाया है। किसे? जोसेफ को अकेले नहीं बुला सकता था, इसलिए सबको बुलाया है। खाना हम बाहर से मंगाएंगे। तुम ये सब करने से पहले मुझसे बात क्यों नहीं करते हो अभी? तुम ही तो सबको डिनर पर बुलाना चाहती थी, है ना? क्या मैंने आज के लिए बोला था? मैं कल के केस का कब पढ़ूंगी? वो ज्यादा देर नहीं लेंगे। कैसे कर सकते हो अभी? मुझे सारी सफाई और ठीक ठाक करना पड़ेगा। जैसा है सब ठीक तो है, घर साफ करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आप ये लेंगे? तोरण लोगे जरा? हाँ। मैं दे देती हूँ। चपाती? हाँ। जोस, उस केस का क्या हुआ? वो फंस गया, बहुत मसाला है। तुम सन्नी को जानते हो, स्कारिया का बेटा? वही फालतू लड़ाई, पुलिस ने केस फाइल कर दिया, तभी मैंने तुम्हें कॉल किया था। मैं भी तो था उस दिन कोर्ट में। माधवी ने बताया मुझे, मैंने उसे कॉल किया था, उसने कहा वो भी नहीं आ सकती। जोसे जी, मेरे क्लाइंट्स, उसके ऑफिस में क्लाइंट्स की भीड़ लगी थी, इसलिए वहां से निकल नहीं पाई वो। कोई नहीं, मैं समझता हूँ, छोड़ो ना। लेकिन हमें उसे बाहर निकलवाना होगा, परिवार के लिए हमारा फर्ज है, लड़का हमें सही है। हियरिंग में हम उसे आसानी से बरी करवा लेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि वो तो वहां पर थी नहीं, और विटनेस की सारी बातें गलत हो जाएगी। तो तुम उसके लिए क्यों नहीं लड़ते? अरे मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ ना। हम इसे रुको, डैडी हमारे परिश से कुरिया को। हाँ। वो वकील है ना? हाँ। वो बहुत अच्छा है, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था, वो कर लेगा। भैया, तुम्हारे केस का क्या हुआ? केस तो चल ही रहा है। पूछने का मतलब गलती किसकी है? मुझे तो लगता ही नहीं कि लड़का बेकसूर भी है। हमें अभी कुछ नहीं पता है। तो तुम दोनों में कौन जीतेगा? जो सही होगा वही जीतेगा, है ना? अगर तुम नहीं जीते तो लोग कहेंगे तुमने अपनी पत्नी को नहीं जीतने दिया, अगर तुम हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी। अबिन, ये चावल देना जरा। क्या? मैं ले लेता हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी प्रोसिक्यूटर की पोजीशन इतनी मुश्किल होगी। PW4 विमल श्रीधर। नाम क्या है तुम्हारा? विमल। इस केस के विक्टिम और आरोपी के फर्म में काम करते हो तुम, है ना? हाँ। क्या वो दोनों बस दोस्ती हैं या फिर उनके बीच में कुछ और भी है? तुम्हें क्या लगता है, तुम वो बताओ। ये दोनों प्यार में हैं, से रूमर सुने हैं। रूमर तो है ही, लेकिन लोग तो बातें करते ही है ना। लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ, रूमर्स बनती कैसे? जहाँ आग होगी वही धुआं होगा, क्यों, है ना? वो ऑफिस में हमेशा साथ ही होते थे, ब्रेक्स में भी, यहाँ तक कि वो साथ में छुट्टियों पर भी गए हैं। वैसे तो हमारे ऑफिस में कैब सर्विस है, लेकिन रात को उसे घर गौतम ही हमेशा छोड़ता था। योर ऑनर, गॉसिप को कोर्ट के लिए एविडेंस नहीं माना जा सकता है। इस तरह के केसेस में डिफेंस के इंटेंशन जानना बहुत जरूरी होता है। हर रोज विक्टिम के साथ रहने से ऑफिस के सारे कलीग्स को ये लगने लगा
कि वो दोनों जरूर प्यार में हैं। एक इंसान बहक सकता है लेकिन सभी गलत हो सकते हैं। योर ऑनर, हो सकता है ऑफिस में साथ वक्त बिताते थे। अनुषा का पीजी गौतम के घर के रास्ते में था, वो बस इसीलिए ही उसको घर जाते हुए ड्रॉप कर देता होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्यार में थे, अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को उसने गलत समझ लिया। इस सबसे डिफेंस लॉयर का ये कहना है क्या कि वो दोनों प्यार में ही नहीं हो सकते? रुको, अगर तुम्हें एक दूसरे से कुछ कहना है वो कोर्ट रूम से बाहर जाकर कहो। अगर डिफेंस कोई अपना पॉइंट रखना चाहता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। सॉरी योर ऑनर। उस रात गौतम के फ्लैट पर अनुषा के साथ तुम भी थे ना विमल? क्यों? हाँ। क्या तुम कोर्ट को ये बता सकते हो कि वहां पर जाने का तुम्हारा मकसद क्या था? हमारे आने वाले प्रोजेक्ट की डिस्कशन के लिए मैं गौतम के फ्लैट पर गया था। फ्लैट पे आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो अकेला था और तो मैंने हॉस्टल से पिक किया और डिस्कशन में उन्होंने कुछ ड्रिंक्स भी लिए। और वो आइडिया था किसका? वो तो गौतम का आइडिया था। तुम शराब नहीं पीते क्या? नहीं, मुझे ड्राइव करना था इसलिए मैंने नहीं पी। तो आरोपी चाहता था कि अनुषा नशे में हो जाए। ओके, कंटिन्यू। मुझे अगले दिन साइट विजिट करने जाना था, मैं लेट हो रहा था और गौतम ने मुझे जाने की सलाह दी। ये सारे डिस्कशन में क्या गौतम ने अनुषा को पीने के लिए जबरदस्ती की? नहीं, लेकिन विक्टिम ने तो कहा था कि उसने अनुषा दो ग्लास के बाद और नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जब डिस्कशन शुरू हुआ तो गौतम ने उसे और ऑफर किया। और फिर अनुषा ने पहले मना किया पर लेकिन फिर गौतम इंसिस्ट किया ना। हो गया। योर ऑनर, आरोपी ने दिखाया कि वो विक्टिम से प्यार करता है और विक्टिम को उसने अपने घर पे बुलाया जब वो घर पर पूरा अकेला था और उसे पीने के लिए फोर्स भी किया और विमल को वहां से भेजकर मौके का फायदा उठाया है उसने। और मेरी क्लाइंट जो उससे प्यार करती थी उसे धोखे का एहसास भी नहीं हुआ। दैट्स ऑल योर ऑनर। विमल, तुमने बताया कि अनुषा ने उस रात शराब पी, क्या गौतम ने उसे शराब दी? नहीं। फिर अनुषा बस वाइन पीती है तो हमने वो जाते हुए खरीदी थी। ओ, ओके। तो फ्लैट में जो वाइन अनुषा लेकर आई थी वो गौतम ने उसे जबरदस्ती पिलाई? नहीं। नहीं, अच्छा। विमल, तुम अनुषा को हॉस्टल से लेकर आए? हाँ। तो स्वाभाविक है कि तुम्हें उसे पूछना नहीं चाहिए था कि क्या वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है या नहीं? मैंने पूछा था लेकिन गौतम ने कहा कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। लेकिन क्या ये तुम्हें ठीक लगा? तुमने उसे एक आदमी के साथ छोड़ दिया, वो भी एक सीनियर एम्प्लॉय के साथ। अगर वो नहीं रहना चाहती थी वो गौतम से कैसे कहती ये बात? उसे डर नहीं लग रहा था और वो अपने मन की बात बोल सकती थी। मुझे लगा ही नहीं कि उसे रुकने में कोई दिक्कत है। मैम, इसका मतलब अगर वो जाना चाहती तो तुम्हारे साथ जा सकती थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। योर ऑनर, मुझे यहाँ धोखा समझ नहीं आया जो प्रोसिक्यूशन ने मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाया, क्योंकि जब मेरे क्लाइंट ने उस रात ड्रिंक करने का प्लान बनाया अनुषा खुद वहाँ वाइन की बॉटल के साथ आई थी। बाद में वो चाहती तो विमल के साथ जा भी सकती थी लेकिन उसने वहीं रुकने का फैसला किया, तो इससे साबित होता है कि सब में विक्टिम का कंसेंट था। और जब उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध हुए वो भी कंसेंशुअल था, तो जब दोनों के एक जैसे इरादे थे तो मेरा क्लाइंट अकेला कैसे आरोपी हो सकता है? क्या वो अंदर है? कौन? कैबिन अंदर है? हाँ, वो अंदर है। हाँ, हेलो। तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है? कोर्ट के आर्गुमेंट वही खत्म होते, बाकी केस से हमें कोई फर्क नहीं होता। केस छोड़ो, कोई और बात है क्या? मैं आज सुबह उससे मिला था। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं है? हाँ, बस वो एक्चुअली कुछ नहीं है, जो उस दो दिन पहले घर पर आया था और उसने वहां पर कुछ गलत बोला। मैं चुप रही बस एबिन की वजह से। वो मुझे डिफेंड कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। उसने ऐसा कहा क्या? हाँ। हम ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तुमने इग्नोर किया वो बात उसे परेशान कर रही है। उसने बस इसलिए कहा क्योंकि मैंने पूछा था। वो शायद थोड़ी सी परेशान है। हाँ, बिल्कुल होगी भी। अरे, हनीमून पर जाने के बजाय तुम दोनों कोर्ट रूम में लड़ रहे हो, वो भी एक दूसरे के खिलाफ एक ही केस पर। कोई भी थक जाएगा। मेरे पास एक तरीका है, मधु को चेंज की जरूरत है। देखो, माँ तुम दोनों को डिनर पर बुलाना चाहती है,
इस बहाने तुम मेरे घर आ जाना, तो हम वो जोशे वाला इशू उठाकर वहीं सॉल्व कर लेंगे। अगर हमने वो टॉपिक उठाया ना तो वो और खराब हो जाएगी। क्या मेरा शादी का तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है? ऐसी चीज तुरंत काट देनी चाहिए। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब आराम से संभाल लूंगा। ठीक है। थोड़ा बीफ ट्राई करोगी? बहुत स्वादिष्ट है। वो नहीं खाती, तुम जानते हो ना। इरिटेट मत करो उसे। लोगों को वेजिटेरियन को इरिटेट करने में बड़ा मजा आता है। तुम्हारे लिए ड्रिंक बना दूं? नहीं, मुझे वापस जाते हुए ड्राइव करना है। एडवोकेट का स्टिकर नहीं है, कुछ नहीं होगा। उसको फोर्स मत करो, ये महंगी शराब है। हम दोनों ही मिलके इसे खत्म करेंगे। वो तो हमें करना ही है। कहाँ से आई? इसके भाई ने गिफ्ट किया। हर दो साल में वो यही तो एक अच्छा काम करता है। चीयर्स। देखो बेन, किसी को इतना फायदा नहीं हुआ जितना तुम्हारे जीजा से तुम्हें हुआ है। हाँ, बाय द वे, जोस कैसा है? उसका धंधा कैसा चल रहा है? उसको बोलो यहाँ बार खोल ले, हम सब ड्राई डे पे शराब पियेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो ये कर सकता है। वो अजीब इंसान है, नहीं मधु? क्या? जो मदद करने वाला है ना? हो सकता है, लेकिन उसे बात करना नहीं आता। क्या मधु? उसे ये नहीं पता कि बात कैसे करते हैं। बाकी वो ठीक था। वो उसका अपना तरीका है, लेकिन वो दिल का अच्छा है। हम लोगों को नहीं बदल सकते हैं ना, हम बस लोगों के स्वभाव के साथ थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं बस। हाँ। वो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन एबिन कर सकता है। वो हमेशा उसकी साइड होता है। मैं तो किसी के साइड नहीं हूँ। हाँ, डिप्लोमेसी, मैंने कहा था ना। ये उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। मुल्लुर जी, जोश ने मुझे कहा कि ये केस मुझे जीतना चाहिए। और अब मैं इसमें किसको दोष दूं? 375 का अगर केस होता है तो प्रोसिक्यूशन ही जीतता है, चाहे कितना भी तगड़ा डिफेंस हो। तो तुम ये सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि डिफेंस वीक है। अरे मधु, उसका वो मतलब नहीं है। इसका बिल्कुल यही मतलब था। मुझे ऐसे टॉन्ट की आदत हो गई है। ये मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है और ये सब मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन मुझे ये अपने पार्टनर से नहीं चाहिए। क्या मधु, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। ये सब तुम्हारी इनसिक्योरिटीज बोल रही है। मेरी इनसिक्योरिटीज? हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हें लगता कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेता है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अभी मेरी इनसिक्योरिटीज में से तुम भी एक हो। तुम्हारी प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए मैं उन्हें मानती हूँ, और इसीलिए तुम उसकी बात का जवाब नहीं दे पाते हो। अब तो तुम्हें मैं ये केस जीतने भी नहीं दूंगा। अब मैं अपने काम के एक्सपीरियंस से तुम्हें ये केस जीत कर दिखाऊंगी। अगर तुम जीत गए तो मैं प्रोसिक्यूशन की पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा और अपने ऑफिस में वापस आ जाऊंगा, देखना। क्या वो मान गए? मुझे अर्जेंटली क्लाइंट से मिलना होगा। इस वक्त? अकेले मत जाओ, मैं भी आता हूँ। कोई बात नहीं, अभी ये ऑफिशियल है। ये प्रोफेशन ही ऐसा है, दिन रात सब एक होते हैं। PW3 उषा कुमारी। उषा कुमारी जी, क्या काम करती हैं आप? मैं उस लड़के के फ्लैट में एक काम करती हूँ। वो लड़का? क्या आपने उस लड़के के फ्लैट से अनुषा को जाते हुए उस दिन देखा था? हाँ। ठीक से सब बता सकती हैं? छठे फ्लोर से। थोड़ा सा और जोर से बोली। मैं छठे फ्लोर से नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। मैंने देखा वो लड़की उसके फ्लैट से निकल रही थी। उसने निकलने से पहले उसे गले से लगाया। मैं लिफ्ट में उसी के साथ थी। लिफ्ट से नीचे जाते समय क्या वो लड़की वहाँ पर रो रही थी, बताइए। नहीं, वो खुश लग रही थी। लेकिन पुलिस के सामने तो आपने कुछ और ही बयान दिया था कि वो लिफ्ट से नीचे रोते हुए जा रही थी। वो पुलिस वालों ने मुझसे ऐसे बोलने को कहा था। तो फिर वो गेट पर गले लगने वाली बात पुलिस को तुमने क्यों नहीं बताई थी? वो तो पुलिस ने नहीं कहा था ना, तो फिर वो क्यों नहीं बताया तुमने? वो मैं शायद पुलिस वालों को बताना भूल गई होगी। ठीक है, That's all, Your Honor.
उषा, जब तुमने उस लड़की को देखा, क्या उसने ये कपड़े पहने हुए थे? हाँ, यही था। इसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी। उषा, लिफ्ट से जाते हुए उसके कपड़े फटे हुए थे या फिर उसके कपड़े के सिर्फ बटन टूटे हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने ध्यान नहीं दिया या तुम्हें यकीन है कि ऐसा नहीं था? मुझे अच्छे से याद है, उसकी ड्रेस एकदम ठीक थी। योर ऑनर, गौतम के फ्लैट से निकलते हुए विटनेस के मुताबिक अनुषा के कपड़े बिल्कुल साफ और ठीक ठाक थे। ये कैसे हो सकता है? केस को मजबूत करने के लिए विक्टिम ने अपने कपड़े बाद में खुद फाड़े। योर ऑनर, विक्टिम की स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी है, जब तक कि वो सही हो और उस पर यकीन करा जा सके। बट हियर द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज अनरिलायबल एंड इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। फायर में कॉन्ट्राडिक्शंस होने की वजह से मैं कोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि इसे ध्यान में रखते हुए मेरे क्लाइंट को बरी करें। योर ऑनर, आई वांट टू रीएग्जामिन द विटनेस। नो योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर को वक्त दिया गया है। विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करने से क्लैरिटी बढ़ जाती है। यू काइंडली अलाउ मी योर ऑनर। यू मे प्रोसीड। उषा, तुम्हें वो ड्रेस तो याद ही है ना, तो ये शॉल भी तुम्हें याद ही होगी। उसने वो ड्रेस जो मैंने पूछा पहले उसका जवाब दो। ये शॉल तुमने देखी थी या नहीं? देखा था। अगर उसकी ड्रेस फटी हुई भी हो तो वो इस शॉल से छुपाई जा सकती है या नहीं छुपाई जा सकती है? तो तुम्हें नहीं पता था कि वो कपड़े सच में फटे भी है या नहीं? बोलो। उषा, पहली बार कोर्ट में आई हो क्या? हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि कोर्ट रूम में तुम जो कुछ भी बोलती हो वो सब जरूरी होता है? तो फिर वो कितना जरूरी होता है? हाँ, पता होना चाहिए था ना। कोर्ट के पूछने के अपने अपने तरीके होते हैं। तुम कोर्ट में आओगी और यहाँ पर तुमसे क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, ये सब कुछ तुम्हें वकील जी ने बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, बताए थे। डिफेंस ने उषा को ये सब कुछ सिखाकर भेजा था साबित है योर ऑनर। क्या तुमने वही बयान दिया है जो डिफेंस ने तुम्हें कहने के लिए कहा है? वकील, तुम विटनेस को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा कोर्ट यहाँ पे बेवकूफ बनने के लिए बैठा है? इस हद तक जाने के लिए मुझे डिफेंस की दाद देनी पड़ेगी योर ऑनर। दिस विटनेस में भी डिक्लाइन हॉस्टाइल योर ऑनर। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि डिफेंस द्वारा इसे हमारी याचिका गलत साबित करने और विटनेस को बदनाम करने के तौर पर देखा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अगली हियरिंग 11 अक्टूबर को होगी। यस योर ऑनर। नो योर ऑनर। क्या हुआ, विटनेसेस को सिखाने के लिए और वक्त चाहिए? हमारे यहाँ फैमिली फंक्शन है। आ? क्या तुम उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं हो? ध्यान से चला गया था। अब अगली हियरिंग 15 अक्टूबर को होगी। सर, हमें जितना जल्दी हो सके सायरा से मिलना होगा। हमें उसे ये बताना होगा कि कोर्ट में उसे क्या क्या कहना है। मैं उसे कॉल करता हूँ। गौतम को लगभग कितनी सजा होगी? 10 साल या उम्र भर, ये तो डिपेंड करता है कि केस कैसा है। क्या मैं केस वापस ले सकती हूँ? ऐसे केस हम वापस नहीं ले सकते। और ऐसे करने की वजह क्या है? कोर्ट के सवाल जवाब मुझसे अब नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा, चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मैंने तुम्हारा स्ट्रगल देखा है। लेकिन तुम जो भी कर रही हो वो मामूली बात नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ऐसा नहीं कर पाती। सायरा, तुमसे जब चाहो वो मिल सकती है। हाँ। गौतम, सायरा का बयान केस को बनाए या बिगाड़ सकता है। मैं चाहती हूँ तुम उससे बात करो। वो मेरी बात नहीं सुनेगी। वो तुम्हारी दोस्त नहीं है? उसे सब सच बता दो। तुम दूसरों को कैसे कन्विंस करोगे अगर तुम उसे कन्विंस नहीं कर सकते? वो बात नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है? बात करते हुए मेरी तरफ देखो, बताओ क्या बात है। तुम्हें सब बताना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। याद रखो, मैं ही हूँ जो तुझे बचा सकती हूँ।
तुम अभी भी नहीं बताना चाहते हो? बताओ मुझे। अनुषा, मैं जानता था वो मुझसे प्यार करती है। सायरा से तुमने ये सब डिस्कस किया? सायरा ने ही मुझे बताया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने किसी को चीट नहीं किया। और हमें? अनुषा के साथ मुझे अच्छा लगता था। मुझे नहीं लगता था कि वो सीरियस है। उस रात जो कुछ हुआ वो मैंने पहले से नहीं सोचा था, वो बस हो गया बस। प्लीज मेरा भरोसा करो। मुझे नहीं, कोर्ट को तुम पर भरोसा करना होगा। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैं उससे शादी कर लूं? शर्म आ रही है। प्लीज मुझे बचा लो। मैं अनु से भी माफी मांग लूंगा। अनुषा, क्या अब कोई कुछ नहीं कर सकता? जो तुमने किया है वो माफी से सेटल नहीं हो सकता। सायरा को फोन करो और ये आंसू उससे दिखाओ। तुम्हारी किस्मत अब उसके हाथ में है। मैं चाहता था कि वो मुझसे प्यार करती। अगर तुम जीत जाती हो तो मैं प्रोसिक्यूटर की पोस्ट से रिजाइन करके अपने ऑफिस में वापस आ जाऊंगा, देखना। तुमने अनुषा की इमोशनल स्टेट तो देखी होगी, है ना? और तुम उन दोनों की कॉमन फ्रेंड भी हो, है ना? सायरा की गवाही केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का हमें खास करके ध्यान रखना होगा। क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम हॉस्टल वापस आई थी तब क्या हुआ था? जब मैं रूम पर वापस आई तो मैंने देखा अनुषा सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके हाथों से ब्लेड छीना। मैंने उसे कई बार पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या हो गया। तुम तो गौतम को कॉलेज टाइम से जानती हो, है ना? फिर मैं तुमसे उसके पिछले रिलेशनशिप्स के बारे में पूछूंगा, ठीक है? योर ऑनर, प्लीज इस केस के अलावा कोई और सवाल अलाउड नहीं होने चाहिए। ये जरूरी है योर ऑनर, इससे आरोपी के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। अच्छा बताओ, ये गौतम की अनुषा से पहले भी और गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है क्या? हाँ थी। लेकिन किसी के भी साथ वो सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हुआ था, है ना? नहीं, वो उनमें से नहीं है ना जो सीरियस रिलेशनशिप रखते हैं, सही है ना? हम ऐसा दिखाएंगे कि गौतम को कमिटमेंट इश्यूज है, और इसी के साथ हम इस केस का सबसे जरूरी सवाल करेंगे। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि अनुषा गौतम से इतना प्यार करती थी कि शादी भी कर लेती? हाँ। और क्या गौतम ने भी ऐसा दिखाया कि वो अनुषा से प्यार करता है और वो भी शादी करेगा? मुझे नहीं पता। मैं फिर से सवाल पूछूं क्या? नहीं, मैंने सुन लिया, मुझे इसका जवाब नहीं पता। क्या गौतम को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि अनुषा उससे शादी करना चाहती है? मुझे नहीं पता। क्या गौतम ने तुम्हें कभी ये बात बताई ही नहीं थी? नहीं, मैंने नहीं बताई। योर ऑनर, द विटनेस हैज ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन। यस यस, क्या कोई और सवाल है? सायरा, तुम अपनी बात बदल रही हो। प्रोसिक्यूशन, डू नॉट क्रॉस योर लाइन। दैट्स ऑल योर ऑनर। सायरा, तुम्हारी इस केस के विक्टिम से क्या रिलेशन है? हम हॉस्टल रूममेट्स हैं। हाँ, क्या अनुषा का नेचर जिद्दी है?
ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, डिफेंडेंट के कैरेक्टर की तरह ही विक्टिम के कैरेक्टर को भी जानना जरूरी है। बताओ मुझे, वो कभी भी सिद्धि हो जाती है क्या? उसके हॉस्टल की वार्डन के साथ कोई इश्यूज है? वो क्या था? वो अक्सर अपने काम से लेट ही आती थी। जब ये बार बार होने लगा तो फिर वार्डन ने उसे जाने के लिए कह दिया। क्या उसने टाइम पर आना शुरू करा? नहीं, वार्डन ने उसे कुछ नहीं कहा? इस हॉस्टल के पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है, और फिर अनुषा ने कहा कि वो उसकी कंप्लेन कर देगी, तो वार्डन ने उसे बोलना छोड़ दिया। इसका मतलब अगर अनुषा को रोका जाता है तो वो कुछ भी कर सकती है। योर ऑनर, यू प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। जब अनुषा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, तुम कहां पर थी? मैं दूसरे कमरे में थी। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ भी हो सकता था अगर तुम वहां पर टाइम पर नहीं पहुंचती तो? हाँ। ओह, उसकी किस्मत अच्छी थी। तुम कमरे के अंदर कैसे आई? क्या तुम दरवाजा तोड़कर अंदर आई? दरवाजा लॉक नहीं था। और वो बिना दरवाजा बंद किए आत्महत्या की कोशिश कर रही थी? ठीक है, जब तुमने अनुषा को देखा तो क्या अनुषा खून में लथपथ थी? नहीं, वो बेड पर हाथ में ब्लेड लेकर बैठी हुई थी। क्या उसके हाथ पर कोई घाव था? नहीं। तो ये आत्महत्या की कोशिश तो नहीं थी, लेकिन तुम सही वक्त पर पहुंच गई है ना? योर ऑनर, मैं आपको दो रीजंस बता सकती हूँ कि यहाँ पर विक्टिम ने नकली आत्महत्या की कोशिश क्यों करी। उसे लगा होगा कि सायरा उसे ब्लेड के साथ देखेगी और गौतम से बात करने पर वो उसको मना लेगी, या फिर वो चाहती थी कि सायरा उसको ब्लेड के साथ देखे ताकि गौतम के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सके और उस पर किसी का शक ना जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जैसा कि विटनेस ने बताया कि विक्टिम काफी जिद्दी है, तो यहाँ पर अपनी बात को प्रूव करने के लिए विक्टिम ये भी कर सकती है। दैट्स ऑल योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन के पास कोई और विटनेस है? नो, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आर ओवर। डिफेंस काउंसिल, कोई और एविडेंस? नो योर ऑनर। देन 313 कैन बी पोस्टेड ऑन October 23rd। इस केस के आर्ग्यूमेंट्स हम उसी दिन ही सुनेंगे। थैंक यू योर ऑनर। मधु, ये सब तभी हो पाया जब गौतम ने सायरा से बात करी। भगवान की दया से उसने अपने स्टेटमेंट बदल दिए। अंकल, आज का दिन हमारे फेवर में था, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। क्या आंटी घर में अकेली नहीं होंगी? ठीक है फिर। एबिन कैसा होगा? इस केस को मैंने उस दिन ही खत्म कर दिया होता मुल्लुर जी, लेकिन विटनेस ने अपना बयान बदल दिया आखिरी वक्त। पता नहीं ये कैसे हुआ। डिफेंस वैसा नहीं है जैसा सोचा था। उस जैसे लड़के को बचाने के लिए भी ये सब। हमारी सोच का हमारे काम पर असर नहीं होना चाहिए, आखिर हम प्रोफेशनल्स हैं। तुमने क्या मुझे उसको सही ठहराने को बुलाया है क्या? अरे ना ही मैं साइड ले रहा हूँ, ना ही मैं बिचौलिया हूँ, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, ये केस जल्दी खत्म हो जाएगा। इसे अपनी जिंदगी खराब मत करने दो। आखिर एक बात बताओ, कितने दिन तुम अलग रहोगे? एक्यूज्ड आगे आ सकता है। मेरे सवालों के जवाब टू द पॉइंट देना। क्या तुम विटनेस एग्जामिनेशन को समझते हो? क्या तुम इस केस की विक्टिम के साथ प्यार में थे? नहीं। क्या तुमने उससे कोई शादी का वादा किया था? नहीं सर। 29 मई 2019 को क्या तुमने विक्टिम के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? हाँ। क्या तुमने उसे शराब पीने के लिए फोर्स किया था? नहीं सर। क्या तुम्हें यह पता था कि विक्टिम तुमसे प्यार करती है? अगर तुम्हें लगा कि सवाल हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं या मुझे नहीं पता बोलना, भले ही ये सच का उल्टा हो। नहीं पता सर। तुम कुछ कहना चाहते हो?
सर, अनुषा मेरी दोस्त थी, मैंने जानकर उसे चीट नहीं किया, विश्वास कीजिए। आर यू रेडी फॉर द हियरिंग? यस योर ऑनर। योर ऑनर, जब मैं अपने क्लाइंट से पहली बार मिला था तब उन लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था। उसे पता था मैं उससे प्यार करती हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इन सभी सवालों में आरोपी ने उससे वादा किया था या नहीं, और वो दोनों प्यार में थे या नहीं, या वो दोनों सिर्फ दोस्त थे, और वो सवाल जो क्लाइंट ने पूछा था, वो सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते हैं। ये जवाब कोर्ट से नहीं आना चाहिए, आरोपी के अंदर से आना चाहिए। कानून तब आता है जब आत्मा सुन्न होती है, और कानून के हिसाब से वो आरोपी है। आईपीसी 415 और 375 के अंतर्गत आरोपी गुनेगार है। योर ऑनर, इस केस में कोर्ट को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज इसका जो फैसला होगा वो इस समाज पर एक बड़ा असर डालने वाला है। कानून के सख्त होने के बाद भी हर लड़की के साथ धोखा किया जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा जितना हम सोच सकते हैं। यही मेरा रीजन है कि उन सब लोगों ने चुप रहने का डिसीजन लिया है। ये फैसला भी उन रीजंस में नहीं जुड़ना चाहिए। तो फिर इन द नेम ऑफ अनुषा एंड मेनी मोर अनुषास, आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू कन्विक्ट द एक्यूज फॉर द ऑफेंसेस चार्ज, और उसे उतने वक्त के लिए गिरफ्त में रखा जाए जितना की जरूरी है। योर ऑनर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में आदमी और औरत को समान दर्जा दिया गया है, कानून के तहत समान सुरक्षा भी। लेकिन क्या हमारा समाज इन वैल्यूज से जुड़ा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, सेक्स इज नॉट अ प्रोमिस जब कोई औरत कहे, समाज खुश होता है। लेकिन अगर उसे एक आदमी कहे, ये सवाल इस केस में उतना ही जरूरी है। जब मेरे क्लाइंट को यहाँ पर दोषी ठहराया गया जबकि उसने वो कुछ भी नहीं किया जिसके लिए कानून एक औरत को आजादी देता है, तो फिर यहाँ पर ये भेदभाव क्यों? जब दो लोग एक साथ एक इंटेंट से कुछ करते हैं तो फिर दोष एक ही को क्यों जाता है? योर ऑनर, मैं फेमिनिस्ट हूँ। इसका अर्थ ये है कि चाहे एक आदमी हो, औरत हो, या कोई भी किसी भी जेंडर का हो, सबको सेम ट्रीट करना चाहिए। मेरी जैसी कई औरतें हर रोज बराबरी के लिए समाज से लड़ती हैं, लेकिन एक भी आदमी को न्याय या अधिकारों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई औरत उनकी सुरक्षा के लिए बनाए कानून का गलत इस्तेमाल करती है तो, और अगर इसकी सजा एक बेकसूर को मिलती है, तो फिर यही समाज हमें छोड़ देगा। तो ये हर औरत का कर्तव्य है कि कानून का गलत इस्तेमाल ना करो। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को सजा दिलाने के लिए प्रोसिक्यूशन कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं अदालत से अनुरोध करती हूँ कि इसे समझें और मेरे निर्दोष क्लाइंट पर दया करें। The case is taken for orders. Orders will be pronounced on November 4th. AC 192/16. क्या हुआ? मधु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बैठो। मधु, तुम्हारे और रिबिन के बीच ये जो हो रहा है, शुरू से ही मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बस कोर्ट तक ही है, लेकिन मैंने इसे इग्नोर करने का सोचा अपने लिए। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मधु, मुझे नहीं पता कि गौतम बेकसूर है या नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं उसकी बहन हूँ, मुझे उसे बचाना ही होगा। ऐसी सिचुएशन में कोई भी सेल्फिश हो जाएगा, और इसीलिए, और अगर इससे तुम पर अफेक्ट होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे भाई के लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो तुम, बेवकूफी होगी वो। केस खत्म हो गया है, प्लीज एबिन के साथ सब ठीक कर लो।
उसे ऑफिस से फिर से ज्वाइन करने के लिए फोन आ रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही। छुपाने के लिए हमने कुछ गलत नहीं किया है। क्या हम किसी तरह पहले से फैसला जान सकते हैं? जो कुछ भी हमसे बन पड़ा हमने सब किया। ये सब जज के डिस्क्रिशन पर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं अनुषा से अकेले में बात करना चाहता। हाँ क्यों नहीं। तुम फैसले को लेकर नर्वस क्यों हो? हम दोनों के बीच एक सिमिलैरिटी है। इस केस को जीतने के लिए हमें उसे हराना होगा जिससे हम प्यार करते हैं। अब जो है सो है, चाहे जो भी हो मुझे जीतना ही होगा। अब ये जिंदगी की बात है। माधवी के लिए भी ऐसा ही है, मैं जानता हूं। लेकिन इस केस में मुझे झटका तब लगा जब सायरा ने अपना बयान बदला। मैंने देखा कि जब सायरा खड़ी थी तब माधवी टेंशन में थी, लेकिन जब सायरा ने बयान बदला माधवी भी हैरान हो गई। हम वकील ना जवाब की नहीं सोचते, लेकिन सवाल के बारे में वो सोचते हैं जो हमें जवाब देने वाले हैं। तो यहां सही सवाल क्या है? क्या सायरा ने अपना बयान बदला, या फिर सायरा ने अपना बयान किस वजह से बदला है? ये सोचने वाली बात है। मैं यहां तुम्हें जज नहीं कर रहा। तुम मेरी क्लाइंट हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे जानना है कि क्या तुमको छुपा रही हो? तुमने मुझे केस वापस लेने को बोला था ना, वो क्यों बोला था? तुमने पूछा गौतम को कितनी सजा मिलेगी, वो क्यों पूछा था? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। जब उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगा, मैं उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे उस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आया था। मेरे पापा ने मुझे उस पर चीटिंग के केस के लिए फोर्स किया, तो मैंने दोबारा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि उसे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से आई हूँ, लेकिन अगर मैं ही उसे मैं उसे समझा सकी तो अगर हम ही बैठ के बात करके शायद, मुझे नहीं पता, अगर हम ये केस जीत गए तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तुम उसे हारा हुआ देखकर कैसे खुश रह पाओगे? हाँ मैं भी वैसा ही महसूस कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सायरा को बयान बदलने के लिए कहा। I'm sorry, I'm really sorry।
मधु। मधु एबी हटो, मेरी तरफ देखो। हटो एबी, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? ए, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। AC 1398/19 Accused is present, Your Honor. This case was very well conducted by the prosecution and very well contested by the counsel for the accused. Court dono ki hi sarahana karna chahti hai. Moving on to the judgment of this case. हियरिंग के मुताबिक चार्ज किए गए ऑफेंसेस में एक आईपीसी धारा 415 के अंतर्गत था। प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने जानबूझ के विक्टिम को मैनिपुलेट किया है या गुमराह किया है। लेकिन अदालत इस बात को खारिज नहीं कर सकती कि आरोपी ने विक्टिम के साथ नशे में होते हुए शारीरिक संबंध बनाए हैं। विक्टिम होश में नहीं थी और उसके कंसेंट को मैनिपुलेट किया गया है, इसलिए विक्टिम के सारे बयान और सारे एविडेंसेस के बेस पर कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने आईपीसी 375 के तहत अपराध किया है। आरोपी को सजा सुनाई जाती है 10 साल के कठोर जेल और 50,000 की पेनल्टी की। मधु, क्या तुम ठीक हो? काम हमें इस पोजीशन में नहीं लाएगी, है ना? कुछ भी सही और गलत नहीं है, सारी समझदारी बेकार है। हर कोई हमारे लिए एक क्लाइंट है। क्या सच में सही या गलत, ये सब एक परसेप्शन है? इसे जज करने वाले हम होते कौन है? वैसे कुछ भी काला या सफेद नहीं है, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, बस उतना ही। इसकी आदत हो जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। गौतम को सजा मिली इसीलिए दुखी हो या तुम केस हार गए इसीलिए, बताओ तो? दोनों। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें जितना लगा डिफेंस उतना वीक था? अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आगे प्लान क्या है? और क्या, हाई कोर्ट। चलो किसी और की जिंदगी मुश्किल करते हैं। मैं लड़ाई किए बिना नहीं मानूंगी।